क्या बोल रही हूँ मैं तोतली क्यों हो रही हूँ? अच्छा मैं टिकर, क्या बोल रही हूँ मैं टिकर। ये मॉर्निंग से हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, और आज मैंने अपनी मम्मी का शुगर चेक करना था घर पे। एक दिन अभी 10 दिन पहले किया था, तो 10 दिन पहले माँ का शुगर 300 से ऊपर आया था, बहुत ज़्यादा था। तो फिर 10 दिन से हमने शुगर चेक नहीं करा था, तो अभी कंटिन्यू दवाई चल रही थी। और मतलब हमने सोचा कि आज 10 दिन हो गए हैं तो आज शुगर टेस्ट कर लेते हैं। तो अभी बस माँ का यहाँ पर शुगर चेक हो रहा है, तो देखते हैं, शुगर चेक करते हैं। यहाँ पे शुगर वालों की ये भी एक ड्यूटी होती है, कितना बढ़ा कितना घटा। वैसे मम्मी का ना हमेशा बढ़ा रहता है, लेकिन अगर समय पे दवाई खाती है तो बिल्कुल मस्त आता है, जैसे आज आया। आज देखो माँ का शुगर बिल्कुल नॉर्मल आया है, मस्त। माँ भी खुश हो गई बिल्कुल। क्या है, माँ ना दवाई नहीं खा रही थी इतने दिन से लगातार, तो अभी माँ को थोड़ा खींच के लिया है हमने, तो 2 टाइम अभी दवाई खा रही है। और थोड़ा बुखार भी आ गया था ना, तो खाना भी कम हो गया था, तो अब थोड़ा शुगर नॉर्मल है। ये देखो अभी 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 रक्तदान किया मैंने शुगर के लिए, तो चलो आज का शुगर सही है और बुखार भी सही है माँ का अब। और अब माँ बिल्कुल ठीक है, 106 खुश। आज रसगुल्ले खाएगी माँ, आज माँ रसगुल्ला खान खुशी मन दुई। शुगर चेक करने के बाद हम हो गए थे खुश, क्योंकि मम्मी का आया था शुगर नॉर्मल, और बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि मेरी मम्मी का शुगर हमेशा ज़्यादा आता है, हाई आता है, तो इस बार मम्मी का अच्छे से मतलब दवाई ववाई बिल्कुल टाइम पे दिया, और बिल्कुल मतलब 10 दिन में बिल्कुल नॉर्मल शुगर हो गया। और क्या कहते हैं, बस यहाँ पर उसके बाद हम बैठे, और बैठ के मैं मम्मी साथ में फली काट रही थी और मैं साथ में आलू काट रही थी, ताकि जल्दी जल्दी सब्जी कट जाए, क्योंकि ऑफिस का टाइम भी हो रहा था। तो फिर फटाफट से मम्मी मेरे साथ फली काट रही थी, फली में टाइम लगता है ना थोड़ा, तो फली काट रही थी यहाँ पे, और मैं आलू काट रही थी साथ के साथ। हम दोनों बैठ के बातें कर रहे थे और बस सब्जी भी काट रहे थे, गपशप मार रहे थे। सुबह मॉर्निंग में तो यही होता है, सुबह बैठे रहो, बातें भी करते रहो, सब्जी भी काटते रहो, तो बस। और आज मम्मी के चेहरे पे खुशी आप देख सकते हैं, वो इसीलिए कि शुगर नॉर्मल आ रखा था, क्योंकि उस दिन हमने करा था ना 10 दिन पहले, तो बाप रे 300 से ऊपर आया था, और बस उस दिन टेंशन हो गई थी, तो आज मतलब सही आया था। तो अच्छा लगता है ना, जैसे कि अगर कोई चीज़ हमारी नॉर्मल रहती है तो एक अलग सा मतलब अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे फटाफट से सब्जी काट रहे थे, फली, और बीन्स की फली थी, बीन्स की फलाई आजकल मैं बहुत हड़बड़ा रही हूँ बोलने में, बीन्स की फली थी, और बस सब्जी काट रही थी यहाँ पे। जो मैंने चाकू पकड़ा, ये बहुत पुराना चाकू है, क्योंकि नया चाकू माँ के पास था, और ये चाकू मेरा इतना लोहे का, इतना पुराना चाकू है ना ये, पर मैंने बोला चल इसी से काट लेते हैं सब्जी, तो मतलब धार तो है इस पर, वैसे तो ठीक है ये। तो बस आलू वालू छिल रही थी, आजकल ना आलू गल भी जाते हैं, पता नहीं क्यों इस बरसात के मौसम में आलू गलने लगे हैं, पहले गलते नहीं थे, अभी मैंने 2-3 निकाले थे आलू, वो गल रहे थे। और यहाँ पे ये ना ब्लैक टी बना के लाए हैं, तो इन्होंने बोला था कि, क्योंकि ना मेरे को ना जुकाम सा हो रहा था हल्का सा, तो ये ना काली चाय बना के ले आए, उसमें तुलसी डाल के लाए थे, तो इन्होंने 2 कप चाय बनाई थी, 2 कप चाय, एक माँ के लिए एक मेरे लिए। वैसे मैं मॉर्निंग में चाय नहीं पीती हूँ, मैंने काफ़ी समय से छोड़ दिया है, मुझे लगभग साल होने वाला है मैं चाय नहीं पीती अब। तो मैं सुबह चाय पीती थी तो मेरे को मतलब प्रॉब्लम हो जाती थी, तो डॉक्टर ने बोला चाय मत पिया करो, तो ब्लैक टी मतलब अगर पीनी है तो ब्लैक टी पी सकते हैं, बट मैं वो भी नहीं पीती हूँ। बट ये कि आज मेरा थोड़ा सा मतलब जुकाम से गला वो हो रहा था, तो बस तुलसी के पत्ते डाल के उन्होंने चाय दी थी, और बस वही चाय रखी है यहाँ पे चाय पीने के लिए। तो मैं इनसे बोल रही थी बिस्किट का पैकेट लिया हो, तो ये वही सुन रहे थे यहाँ पे, मैंने कहा बिस्किट के पैकेट भी है, वो माँ 1-2 खा लेगी साथ में, क्योंकि शुगर चेक करा था ना, तो फिर उसके बाद जब तक सब्ज़ी बनेगी तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो मैंने कहा जब तक सब्ज़ी बनेगी तब तक चाय के साथ 2 बिस्किट ले लेगी। वैसे तो काली चाय अपने आप में वैसी पियो, खा ली तो अच्छी लगती है, लेकिन मैंने बोला चलो कोई नहीं 1-2 बिस्कुट भी खा लेते हैं। बस यहाँ पे चाय वाय पीते हैं। ये रही हमारी काली चाय, लाल कप में लाल दिख रही है, ग्रीन कप में ग्रीन। यहाँ पे सब्जी कट गई है, आलू फली, इसमें डालूंगी 2-3 प्याज, और इसमें डालूंगी टमाटर। और यहाँ पे वही मॉर्निंग का टाइम था, तो ये नहा धो के अपना मतलब कि पूजा पाठ का टाइम हो जाता है इस टाइम पे हमारा, तो बस पूजा वूजा यही करते हैं मॉर्निंग की।
यहाँ पे आ गया हमारा ब्रेकफास्ट बन के और ये ऑफिस चले गए हैं। इनको ऑफिस भेज के हम यहाँ पे मार में नाश्ता कर रहे हैं सब्जी। और ये है दोपहर का टाइम, और दोपहर के टाइम पे मैंने आज करेले बनाए थे। तो करेले मैंने इस तरीके से बनाए थे कि साबुत करेले धोने के बाद उनको पोंछ लो अच्छे से ताकि उन पे पानी ना रहे। उसके बाद इसमें नमक मिर्ची हल्दी मिक्स करके इनके अंदर ऐसे भर देना है आपको, मतलब आपको दो पीस में इनको कट करने हैं और इनको ऐसे ही, मतलब ये ना फ्राई वाले बनते हैं। और इसमें मैंने सरसों का तेल डाला था और इनको साबुत डाल देने हैं आपको। तो अगर आपने ये वाला, मतलब इस स्टाइल में अगर कभी करेले बनाए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनाए हैं तो ट्राई करना एक बार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब होते हैं ये भी। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बची हुई थी थोड़ी थोड़ी सी, सुबह की भी और पहले की भी रखी हुई थी, तो बस थोड़ा सा ये भी हो जाएगा। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे करेले के, ये भाजा बोलते हैं इसको, करेले फ्राई मतलब, ये बनाए हैं, बहुत टेस्टी होते हैं ये। इनको ऐसी मिर्च मसाला जो भी भरना है इन पर ऐसी ऊपर से लगा दो हल्के हाथ से, और उसके बाद इनको फ्राई कर दो। तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने डोंगा ही घुमा दिया पूरा क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, डिलीशियस लग रहे थे। उसके बाद आप इसको चावल के साथ खाओ, चाहे दाल चावल के साथ खाओ, मैं तो इसको सूखा ही खाती हूँ ऐसी। तो बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत टेस्टी बने थे। और यहाँ पे सिस्टी का आने का टाइम हो गया है स्कूल से, तो उसके आने से पहले मैं क्या करती हूँ ना, यहाँ पे ग्लूकोनडी है मेरे पास ऑरेंज वाला, तो मैं वो हमेशा मतलब घोल के रख देती हूँ, और प्लास्टिक के ग्लास में यूज़ करते हैं हम। तो यहाँ पे सिस्टी आ गई है, और ये मैंने पहले सूट कर लिया था, तो ये यहाँ पे सिस्टी स्कूल से आई, तो आके उसने पहले पानी पिया, पानी पीने के बाद फिर वो ग्लूकोनडी पीती है, मैं डेली ही ग्लूकोनडी देती हूँ उसको। हेलो दगड़ियों, कंचो तुम ठीक ही वेला, तुम मेरी तुम तकी सवाल पछड़ो तुम ठीक ही वेला। तो स्वागत है तुम्हारे म्या चैनल सुनीता उत्तराखंड में, बड़ो ते म्या नमस्कार, छुट्टो ते म्या ढेर सारा प्यार। दोस्तों कैसे हो आप लोग, होपफुली आप लोग सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ और पहले से बहुत बेहतर है थोड़ा। तो अच्छा भी लगता है जब अपना थोड़ा स्वास्थ्य ठीक होता है, तो पहले से काफ़ी ठीक है। आपको थोड़ा थोड़ा तो होता रहेगा, बीच बीच में उसको इग्नोर करना पड़ेगा। तो बस हमारा सारा रूटीन पूरा हो गया है, वो तो चलता रहता है पूरा दिन। तो बस यही था छोटा सा वीडियो, क्योंकि मैं तो ज़्यादा बड़ी वीडियो आजकल बना नहीं रही हूँ, छोटी छोटी बना लेती हूँ बीच बीच में, तो उससे आप लोगों से जुड़े रहते हैं और वीडियो भी आती रहती है, हमारा मन भी लगा रहता है। तो जैसी भी वीडियो थी आप लोगों तक बना के भेज देती हूँ, आप लोगों को पसंद आएगी तो ज़रूर बताना आप लोग। तो अपना ओपिनियन दिया करो, कैसी वीडियो अच्छी लगती है कैसी नहीं लगती है तो बताया करो। बस यही वीडियो था, यही पकड़ती हूँ बंद में, समझ नहीं आता बोलता क्या क्या बोल रही हूँ मैं तोतली क्यों हो रही हूँ। अच्छा मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ, सृष्टि स्कूल से आने वाली है, फिर हम खाना खाएंगे। और ये मॉर्निंग से लंच तक का ब्लॉग था, बाय बाय टेक केयर, क्या बोल रही हूँ मैं, टेक केयर। ये मॉर्निंग से लंच तक का ब्लॉग था और छोटी सी वीडियो थी, होपफुली आपको पसंद आएगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय टेक केयर।